शिवसेना अजान को लेकर बातचीत कर रही है सर, हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना अजान की स्पर्धा बच्चों में जागृत करने की बात कर रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही। बाला साहेब ठाकरे जी हमेशा इस बात पर लड़े और उनके बयान या सामना में लिखे हुए लेख इससे बिल्कुल विपरीत आज शिवसेना का सारा काम चल रहा है। शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है और वो सूडो सेक्युलर हुई है। अगर सेक्युलर भी होती तब भी माना जा सकता था, लेकिन वो सूडो सेक्युलर बनी है। अपीजमेंट की पॉलिसी शिवसेना में चल रही है और इसलिए मुझे लगता है जो हम बार बार कह रहे हैं कि सत्ता के लिए इन्होंने हिंदुत्व को ठोकर लगाई है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। तो क्या सिर्फ वोटों के लिए हो रहा है, मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए? देखिए, हमने तो हमेशा कहा है कि हम मुसलमानों को वोट बैंक नहीं माना है, हम तुष्टिकरण की नीति नहीं चाहते। देखिए, सबका साथ सबका विकास, इसमें मुसलमान भी आते हैं, लेकिन इस प्रकार से तुष्टिकरण की नीति, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। कहीं ना कहीं शिवसेना भी मुस्लिमों को वोट बैंक मानकर वोट बैंक पॉलिटिक्स में जा रही है, इससे स्पष्ट होता है। महाआरती की से तुलना की जा रही है कि जिस प्रकार महाआरती गीता स्पर्धा की जाती है, उसी तरह अजान की स्पर्धा भी कराई जाएगी बच्चों में? मैं तो अपील करता हूँ कि अब इसके ऊपर संजय राउत जी भी बोले और उद्धव ठाकरे जी भी बोले।